शाम का नाश्ता एक नई रेसिपी शकरकंदी मटर कटलेट। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है अक्टूबर से हमें मिलते हैं स्वीट पोटैटो या शकरकंदी, तो इसको हम पहले उबाल देंगे मटर के साथ में। मटर हमने कटोरी में रखा है ताकि इसका न्यूट्रिशन हमें लूज़ ना हो जाए, क्योंकि गर्म पानी में अगर हम मटर को छोड़ देते हैं तो पानी में उसकी न्यूट्रिशन कम हो जाता है। शिमला मिर्च को बारीक काट लेते हैं, गाजर को घिस लेते हैं, हरा धनिया को बारीक बारीक काट लेते हैं। शकरकंद को जब उबालते हैं तो उसका न्यूट्रिशन जो है विटामिन ए वो ज़्यादा अच्छे से अपना जिस्म इस्तेमाल कर सकता है। तो शकरकंदी को उबलने के बाद में बारीक बारीक काट लो, फिर उसको घिसे हुए गाजर, शिमला मिर्च, हरा धनिया, हरा मटर के साथ में इसको मिला लो। अब चलो बनाते हैं इसका मसाला। इसके लिए हम लेंगे फ्रेश अदरक, हरी मिर्च, ज़ीरे का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला जिसकी रेसिपी मैंने पहले आपको सिखाई है ऑन द यूट्यूब, थोड़ी सी शक्कर और काला मिर्च। अब अदरक इसके लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि शकरकंदी, मटर, गाजर में जो फाइबर है इसको हज़म करने के लिए अदरक सहायता करता है। और जब हमारे ये फाइबर्स को हम बराबर डाइजेस्ट करते हैं तो इनमें जो भरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, इन्हें हमारी बॉडी अच्छे से इस्तेमाल कर पाती है। और हज़म किए हुए फाइबर्स हमारे गट के लिए अच्छे होते हैं। पोहा में है अगेन इजी टू यूज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। जब ये मटर और शक्करकंदी के साथ मिलते हैं तो ये बन जाता है फर्स्ट क्लास कॉम्बिनेशन वीगन प्रोटीन। अगर हम ये तैयारी पहले शाम में कर लें तो इस कटलेट को आप नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो ये बहुत ही अच्छा स्टार्टर बनेगा आपके लंच डिनर के लिए। बच्चों को भी अगर शाम में आपको हेल्दी नाश्ता खिलाना हो जिसमें कोई इनो, कोई सोडा नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, तो ये बढ़िया स्नैक है। थोड़ा सा बेसन कोट करने से ये कटलेट टूटेगा नहीं। बच्चों के खातिर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल लिया है ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, क्रिस्पी कटलेट बन जाएगा। अब उसको ऐसे ही खिला दो खजूर इमली की चटनी के साथ या टमेटो सॉस के साथ या आपका जो हरा धनिया पुदीना चटनी उसके साथ। ये बच्चे बड़े इस रेसिपी को बहुत प्यार से खाएंगे। अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो उसको तेल कम लीजिए, नॉनस्टिक पे ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। आजकल का जो दौर चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि सभी को अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वीगन प्रोटीन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे खास ध्यान देना चाहिए। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आते हैं, खास करके न्यूट्रिशन की माहिती, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।